और राज्य आंदोलनकारी और जनता कैबिनेट पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें प्रदेश की जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही समर्थन भी जनता का जिले हरिद्वार से प्राप्त होगा। देखिए, मैं हरिद्वार में मैंने देखा, मैं 2018 में उत्तराखंड आई हूँ और मैं हरिद्वार ही रही और हमारे प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है और मेरा बड़ा नुकसान हुआ सरकार में, और मेरे साथ जो पार्टनर थे हम लोग 5-6 करोड़ रुपए गवा चुके हैं। और देखा तब मैं धीरे धीरे शासन प्रशासन में जब घुसी तो बहुत बड़ा कॉकस यहाँ पर है, बहुत बड़ा, मतलब ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और है। तो हरिद्वार की तो हालत देखिए, कुंभ में इतना करोड़ों रुपए आया और अभी मैं स्नान के लिए गई थी 5 मार्च को, मेरी गाड़ी फंस गई। आप भी जाइए, अगर आप देखेंगे हरिद्वार के भरकी कौड़ी के सामने पार्किंग में तमाम झुग्गी झोपड़ी बसी हैं और ऐसा बुरा हाल है, लगता ही नहीं कि धर्मनगरी हरिद्वार है, कि यहाँ कुंभ भी होता होगा। तो वो वहीं पर मेरा विचार आया और मैं रथ यात्रा में गई थी जगन्नाथ भगवान की। हो सकता है ये प्रेरणा मुझे जगन्नाथ भगवान ने दी है। तो ये राम वाले हैं तो हम श्याम वाले हैं, तो अब देखते हैं राम वालों की जीत होती है श्याम वालों की, क्योंकि ये हम द्वापर युग को मैं मानती हूँ कृष्ण को, ये त्रेता युग के हैं।